आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन दिया है, हैस नियम निम्न में से किसके आकलन के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो हैस नियम ना एंथैल्पी के आकलन के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है ना, और एक रिएक्शन है, एक तो ये रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन है ए से पहले सी हो रही है, फिर डी हो रही है, फिर डी से बी बन रहा है, तो जो एंथैल्पी होगी, जो डेल्टा एच होगी, इसकी डेल्टा एच वन है, इसकी डेल्टा एच टू है, तो वो दोनों समान होगी, डेल्टा एच वन बराबर होगी डेल्टा एच टू के। ये रूल था हेंस का कि अगर प्रोडक्ट इससे ये बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दूसरा पाथ है, क्योंकि ये एक पाथ है, ये एक पाथ है और ये दूसरा पाथ है ना, तो दोनों का जो है ना एंथैल्पी होगी वो सेम होगी। ये हेंस का नियम था, ठीक है। किसी रासायनिक परिवर्तन में उत्सर्जित या अधिशोषित ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, चाहे प्रक्रम एक पद में हो या अनेकों पद में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए से बी अगर बन रहा है तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी इन दोनों रिएक्शन के लिए वो सेम होगी। कोई एग्जांपल अगर हम देखें इसका, तो वो क्या होगा, इसमें क्या कराते हैं हम पी फोर की रिएक्शन सिक्स पी सी एल सिक्स सी एल थ्री से करवाते हैं, पी फोर की रिएक्शन सिक्स सी एल टू से करवाते हैं अगर, तो फोर पी सी एल थ्री बनता है, और अगर हम इस फोर पी सी एल थ्री की फोर पी सी एल फाइव की रिएक्शन कराते हैं तो पी फोर और टेन सी एल टू बनता है ना। ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, तो अगर ये रिएक्शन हो रही है, इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो वो क्या होगा, वो क्या रिएक्शन होगी, फोर पी सी एल फाइव से बन रहा है पी सी एल थ्री है, ये पी सी एल थ्री फोर पी सी एल थ्री बन रहा है और साथ में इनसे कैंसिल आउट होकर फोर सी एल टू बन रहा है, फोर फोर हटके क्या हो जाएगा, पी सी एल फाइव से पी सी एल थ्री बन रहा है और सी एल टू बन रहा है। तो अगर हमें इस रिएक्शन की निकालनी है डेल्टा एच, डेल्टा एच निकालनी है, तो हम इन दोनों रिएक्शन की डेल्टा एच निकाल सकते हैं, कि अगर हमें टर्म्स में कुछ पता ना हो इनके अंदर, तो हम इस रिएक्शन की अगर डेल्टा एच इन दोनों की पता है तो हम इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभिक्रिया की एंथैल्पी के लिए, ठीक है। थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।